जब मैं से राइड कर रहा था ना, मैं कैसे एक गियर से दो गियर, तीन गियर, चार गियर करता जा रहा था ना, मुझे पता ही नहीं चल रहा था यार। एक चीज जो मुझे लगी वो है इसकी वाइब्रेशन। 35,000 रुपए में हस्क वरना घर लेकर जाओ, जैसे 6,000 RPM पार करते हो, दिस बाइक कन्वर्ट्स इनटू अ डिफरेंट कैरेक्टर। कि नहीं, ड्यूक नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं, पर सब कुछ वैसा ही चाहिए, देन गो फॉर हस्क वरना। कोई तो मार्केट में आया जो 400 cc में KTM Duke 390 को टक्कर देगा। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है 2024 की हस्क वरना स्वॉट प्लेन 401। काफी इंतजार करवाया है हमें हस्क वरना ने। 7 साल के बाद हमें एक नई हस्क वरना स्वॉट प्लेन देखने को मिल रही है। फाइनली कोई तो मार्केट में आया जो 400 cc में KTM Duke 390 को टक्कर देगा। जी हाँ, ये वही मोटरसाइकिल होने वाली है। जो होता है ना, लोग सोचते हैं कि नहीं, ड्यूक नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं, पर सब कुछ वैसा ही चाहिए, देन गो फॉर हस्क वरना। जी हाँ, एंड KTM 390 से याद आया, अगर आप लोग हस्क वरना शॉर्ट प्लेन 401 और KTM ड्यूक 390 का एक कंपैरिजन वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो। जी हाँ, मैं एक कंपैरिजन वीडियो दोनों का ले आऊँगा। एंड हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप हस्क वरना लेना चाहते हो तो आपको क्यों लेनी चाहिए, नहीं लेना चाहते तो क्या क्या इसके रीजंस हो सकते हैं, हर एक इंफॉर्मेशन। एंड अगर लेने का मन बना लिया है तो कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, कितनी EMI होगी, हर एक चीज़ बताऊंगा। गाइस, आपको ये वीडियो देखने के बाद हस्क वरना की कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ तो डिस्कस कर ही दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग KTM, बजाज, बजाज चेतक, हस्क वरना, इन सभी का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो जो शोरूम का एड्रेस है ना, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो एंड आ जाओ, टेस्ट राइड लो, अच्छा लगे तो ले लेना। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही ना, मैं इस बाइक का प्राइस डिस्कस कर देता हूँ। जी हाँ, जो एक्स शोरूम प्राइस है शॉर्ट प्लेन 401 की, वो है 2,92,000। जी हाँ, 2,92,000 एक्स शोरूम प्राइस है शॉर्ट प्लेन 401 की, जो 20,000 रुपये कम है KTM ड्यूक 390 से। देखो, खुश होने वाली बात कोई नहीं है इसमें, क्योंकि चलो 20,000 कम तो है, पर चीज़ें भी ना उससे कम हमें इसमें देखने को मिलती है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जहां कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये तो हो गई इसकी प्राइस की बात, अब इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। आप सभी ने KGF मूवी तो देखी होगी, उसमें जो रॉकी भाई बाइक चलाता है ना पहले पार्ट में, मुझे कुछ वैसी इसकी लुक आती है। देखो, मुझे लगती है, हो सकता है आपको ऐसी ना लगे, पर मुझे ना कुछ वैसी ही वाइब देती है ये। देखो, मेरी ये ऑब्जर्वेशन तो गलत हो सकती है, पर जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है ना, वो गलत नहीं हो सकती। वो ये है कि जो इस मोटरसाइकिल का डिज़ाइन है ना, वो काफ़ी यूनिक है यार। किसी को अट्रैक्टिव लगे, किसी को अट्रैक्टिव ना भी लगे, बट ये यूनिक है, ये हर कोई एग्री करेगा इस पर। जब सड़कों पर हस्क वरना लेके चलते हो ना यार, तो एक अटेंशन ग्रैबिंग का काम तो ये कर देती है। जब 5-6 bikes के बीच में आपकी एक बाइक निकलेगी ना, तो लोग इसको देखेंगे कि अरे यार, ये कौन सी बाइक आ गई। बोला ना, मतलब यूनिक है, थोड़ी अटेंशन ग्रैब करती है। अगर आपका मोटिव है कि मुझे पावर चाहिए, अटेंशन चाहिए, यू कैन गो फॉर इट। ये दोनों काम ये करती है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है ये इंडियन रोड्स पे। पहले बाइक डिस्कस करते हैं, तो चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर मैं इस बाइक के फ्रंट की बात करूँ, तो हमें LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, LED इंडिकेटर्स देखने को हमें मिल जाते हैं, एंड यहाँ हमें एकदम छोटा सा वाइजर देखने को मिलता है, जो हालांकि किसी काम का नहीं है, फंक्शनल नहीं है, आई थिंक लुक के लिए लगाया होगा। पर आयरनी की बात तो ये है कि अगर ये वाइजर हटा दो, तब इसकी लुक और ज़्यादा निखर कर आती है। एंड नाउ अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूँ, तो फ्रंट में हमें कंप्रेशन और रिमोट एडजस्टेबल USD फॉर्क देखने को मिल जाता है बाय YPFX। एंड अगर मैं रियर साइड ऑफ दी बाइक की बात करूँ, तो हमें मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है, एंड ये भी एडजस्टेबल है, इसमें आप प्रीलोड और रिमोट एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ अगर हम इसके टायर्स की बात करें, तो हमें स्पोक व्हील्स देखने को मिलते हैं विथ ट्यूब टायर्स। जी हाँ, ना हमें अलॉय देखने को मिलते हैं, ना ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलता है। तो वो जो 20,000 कम किया है ना इन्होंने, देखो कहाँ कहाँ कॉस्ट कटिंग की है। हालांकि एक अच्छी बात है कि टायर्स हमें पिरेली के देखने को मिल जाते हैं, एंड वी नो डैट पिरेली कितनी प्रीमियम टायर्स बनाती हैं। तो ये वन ऑफ द गुड डिसीजन है हस्क वरना का, कितनी प्रीमियम टायर्स इन्होंने दिया। पर यार, अलॉय व्हील्स एंड ट्यूबलेस टायर भी दे देते, वहाँ ये मात खा गए। पर कोई नहीं, पैसे कम करने थे, मैं वही कहता हूँ ना, कॉस्ट कटिंग करो, पर ऐसी जगह से मत करो। खैर, अगर मैं ब्रेक्स की बात करूँ, तो हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे हमें सस्पेंशन के लिए प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी सही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंजन। देखो, KTM हो गई, हस्क वरना हो गई, इंजन तो बवाल होता है इनका। जी हाँ,
399 सीसी का हमें इंजन इसमें देखने को मिल जाता है, सेम ड्यूक 390 वाला, जो 46 पीएस का पावर जनरेट करती है, 39 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। पावर फिगर बिल्कुल एज सिमिलर टू ड्यूक 390, बट हाँ मैं यही कहूंगा कि दोनों में इंजन तो सेम है, बट ऑल टुगेदर ना दोनों एक डिफरेंट मोटरसाइकिल है। अब इसे राइड करके कैसा फील होता है, क्या राइडिंग एक्सपीरियंस रहा इसका, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ये हुआ इसकी इंजन की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स टैंक। इसमें हमें 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है, जो 29 का माइलेज हमें निकाल कर देती है इंडियन रोड्स पे। कंपनी तो ऐसा क्लेम करती है, हालांकि मैं एक माइलेज टेस्ट वीडियो भी लाऊंगा इस बाइक पर, तब आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता चलेगा कि ये कितनी की माइलेज देती है। एंड अगर मैं इस मोटरसाइकिल के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं, तो हमें 177 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं इसके सीट हाइट की बात करूं, तो 835 mm का सीट हाइट हमें देखने को मिलता है। देखो मेरी हाइट 5'10" है, ठीक है, तो अब देखते हैं मैं इसे अच्छे से राइड कर पाऊंगा या नहीं। देखो मेरी जो हाइट है वो 5'10" है, एंड मैं बहुत ही कंफर्टेबल होकर इस पर बैठा हूँ। एंड अगर आप मेरा पैर देख पा रहे हो कि ये थोड़ा थोड़ा बेंड भी हो रहा है, मतलब अगर सीट हाइट थोड़ी और भी होती तो भी हम अच्छे से मैनेज कर सकते थे इसको। एंड जो इसकी राइडिंग पोजिशन है, गॉड काफ़ी एग्रेसिव फील देती है। हाँ उतनी नहीं देती जितनी आपको ड्यूक 390 देती है, पर ये भी बवाल चीज़ है गाइस। एंड मुझे बैठ कर तो काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है, काफ़ी कंट्रोलिंग फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि मैं आराम से इसे मैनूवर कर लूँगा। मतलब कोई भी एकदम अनवांटेड सिचुएशन मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे गो थ्रू हो जाऊँगा, इतना कॉन्फिडेंस तो ये दे रही है मुझे बैठने पर ही। एंड हाँ अगर मैं इसकी वेट की बात करूँ, तो ये ड्यूक 390 से ना 3 kg हेवियर साइड पर है। चलो सीट हाइट वगैरह की बात हो ही गई, तो इसके सीट की भी बात कर लेते हैं। सीट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, एंड बहुत लंबी है यार कसम से। आप देखो ये जो सीट है ना, इसकी यहाँ टैंक तक जा रही है। एंड पीछे पिलियन की सीट भी ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये ग्रैब रील जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा पोजीशन हमें प्रोवाइड करता है। हालांकि 390 में पिलियन उतना कंफर्टेबल फील नहीं करेगा जितना हस्क्वर्ना में करने वाला है। एंड सीट काफ़ी लंबी है, एंड ये चीज़ मुझे इंप्रेस की इस मोटरसाइकिल की कि है ना, आप कंफर्टेबल होकर राइड कर सकते हो, कंफर्टेबल होकर पिलियन आराम कर सकता है पीछे बैठकर। बहुत मजा आने वाला है पिलियन के साथ या अकेले भी इसे राइड करने में। एंड टैंक पे ना हमें ये गार्ड देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है गाइस। पहला इसका ये है कि आप टैंक बैग आराम से इसमें स्टिक करा सकते हो, बिल्कुल आराम से फिट हो जाएगा टैंक बैग। एंड दूसरा, ये आपके टैंक को ना स्क्रैचेस से भी बचाएगी। जी हाँ, मुझे तो काफ़ी इंप्रेसिव लगी ये चीज़ें। एंड अगर मैं इसके स्विचेस की बात करूँ, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मिरर गुड स्टैंडर्ड, एंड जो भी इसके स्विचेस हैं उसकी फिट एंड फिनिश ना काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि कुछ जल्दबाजी में किया गया हो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ, चलो उससे पहले ना मैं इसके की बात करता हूँ। इसमें ना हमें की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है, जो मुझे तो बहुत सही लगा यार कि चलो ठीक है यार, धीरे धीरे ना ये सारी चीज़ें आ रही हैं इंडियन मार्केट्स में भी। चलो अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, तो कुछ हमें हस्क्वर्ना का लोगो देखने को मिल जाता है। सी गाइस, ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अभी साइड स्टैंड की वार्निंग आ रही है क्योंकि साइड स्टैंड ऑन है, अभी मैं बैठ कर हटा कर भी दिखाऊंगा। पर ना पहले ये देखो कितनी बड़ी और कितनी सुंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसके हर एक इंफॉर्मेशन कितने अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। बहुत सारी मोटरसाइकिल्स में क्या होती है ना, बहुत छोटा छोटा दिखता है, तो वो रहे ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसमें सब कुछ कितना ज़्यादा क्लियर है एंड कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैरी करती है। चलो मैं पहले साइड स्टैंड हटाता हूँ। तो अब मैं इस पर बैठ गया हूँ, मैं इसकी साइड स्टैंड हटा रहा हूँ। अब फ्यूल रिजर्व का दिखने को मिल गया हमें, चलो कोई बात नहीं। पर मैं आपको बता देता हूँ इसमें हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। गियर पोजीशन इंडिकेटर हो गया, क्लॉक हो गया, टैकोमीटर हो गया, आपके बहुत सारे मोड्स हो गए। हालांकि इसमें एक ही मोड है, राइडिंग मोड है, पर ना सुपर मोटो मोड, आप ABS टर्न ऑफ कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल टर्न ऑफ टर्न ऑन कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड सारे मेनू को छेड़ने के लिए आपको बस यही एज यूजुअल इन बटन्स के साथ खेलना होता है। अब यहाँ पे जैसे दाबते जाओगे, चलो हमारा हट गया। नाउ देखो हमें राइड मोड्स में एक स्ट्रीट मोड ही देखने को मिलता है। नाउ अगर हम ऊपर जाएं, बैक करें मोटरसाइकिल में, देखो हमें ABS में हम जा सकते हैं, ABS आपको टर्न ऑफ टर्न ऑन करने का ऑप्शन मिलता है, फिर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल्स को ऑफ करने का ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें इसमें देखने को मिलती है गाइस, जो बहुत सही है। एंड सबसे बड़ी बात, सब कुछ ना विजिबल है, छोटा छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा TFT डिस्प्ले है, हर एक चीज़ अच्छे से विजिबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेयर साइड ऑफ द बाइक। उससे पहले आपको ये बता दूं कि हमें अंडर वैली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। अगर आप मुझे बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ अंडर वैली एग्जॉस्ट का। एंड हाँ, रेयर साइड ऑफ द बाइक की अगर मैं बात करूँ, तो हमें LED टेल लैंप, LED के इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। पर ना यार मुझे ये कुछ खास जमा नहीं, जो पिछला डिज़ाइन था हस्क्वर्ना का वो मुझे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगता था।
पर उसका एक डिमेरिट था कि पिलियंस के ना मतलब बुरे हाल हो जाते थे, हल्की भी कीचड़ में ये चलती थी तो सारे छींटे उसके ऊपर पड़ जाते थे। ये जो है ना ये थोड़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पर थोड़ा लुक ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है पीछे से, पीछे से अभी ये उतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं लगती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस टायर। ओ माय गॉड लुक एट इट यार, मैं मुझे इतनी खूबसूरत लग रही है ना टायर। चलो मैं आपको इस टायर का नाम बता देता हूँ, ये है पिरेली स्कॉर्पियन रैली STR टायर्स। जी हाँ ये काफ़ी प्रीमियम टायर है। बस यार पता है एक ही चीज़ खल रही है कि ये ट्यूबलेस क्यों नहीं है और अलॉय व्हील्स क्यों नहीं है। पर मैंने वीडियो स्टार्टिंग में कहा 20,000 रुपये कम देने हैं, तो फिर देखो कहाँ कहाँ कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। तो मैंने इस मोटरसाइकिल के बारे में तो हर एक चीज़ डिस्कस कर दिया, नाउ डिस्कस करते हैं इसके राइड रिव्यू के बारे में। जब मैंने इसे राइड किया तो मुझे क्या क्या चीज़ें फील हुई, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी हैं, हर एक चीज़ के बारे में अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, द पावर डिलीवरी इज ग्रेट। जी हाँ मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया इसके पावर डिलीवरी का राइड फ्रॉम द बिगिनिंग। इनिशियल पावर गुड, मिड पावर गुड, देखो 6000 RPM के अंदर तक तो बहुत कंट्रोलेबल लीनियर पावर हमें देखने को मिलती है, पर आप जैसे 6000 RPM पार करते हो दिस बाइक कन्वर्ट्स इनटू अ डिफरेंट कैरेक्टर। पता नहीं चलता यार मतलब ये कहां से अचानक से होता है ना एक ब्लास्ट होता है पावर का, पावर आउटपुट का ब्लास्ट होता है, वैसा आपको देखने को मिलेगा 6000 RPM के बाद। जी हाँ मेरे ऐसे इंसान के लिए जो इतनी बाइक राइड कर चुका है, इतने मैंने बाइक को राइड करने के बाद ही रिव्यूज लाता हूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट हर एक तरह की बाइक राइड की है, फिर भी ना मुझे थोड़ा थोड़ा तो डर लगा यार अचानक से 6000 RPM के बाद मुझे पावर आउटपुट दिखने लगे, पर अब थोड़ा तो डर लगता है यार। देखो KTM जो है वो आपके अंदर डर तो एक देती है, आप उसका कोई भी बाइक या मोटरसाइकिल उस सेगमेंट में चला के देखो वो अपने उस सेगमेंट में सबसे खतरनाक रहती है। हालांकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि थैंक गॉड अब एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो 400cc में 390 को टक्कर देगी, पर क्यों ना दे भाई, इंजन तो दोनों सेम ही शेयर करते हैं। नाउ दी सेकंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जब मैं इसे राइड कर रहा था ना मैं कैसे एक गियर से दो गियर तीन गियर चार गियर करता जा रहा था ना मुझे पता ही नहीं चल रहा था यार, मतलब चाल इतनी स्मूथ है इसकी, रोड्स पर ना आप तुरंत गियर अप करते रहोगे। एंड जो क्विक शिफ्टर है इसमें वो तो मतलब इस प्रोसेस में ना मक्खन का काम करता है, एक तो क्विक शिफ्टर है, आप जैसे गियर करोगे आपको फील भी नहीं होगा, गाड़ी की चाल और स्मूथ हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार गियर अप डाउन करना पड़ेगा, नहीं, हर गियर की एक अच्छी रेंज है। दी थर्ड पॉइंट, एक चीज़ जो मुझे लगी वो है इसकी वाइब्रेशन, वो भी ना हायर RPM पे गाइस। एंड देखो मेरे लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज तो कहूँगा ही नहीं इसको, कोई बहुत बड़ी फैक्टर भी नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप एक सिंगल सिलेंडर के 400cc को राइड कर रहे हो, इसमें वाइब्रेशन तो होंगी ही। आप ये भी तो देखो ये सिंगल सिलेंडर है एंड 400cc का पावर आउटपुट 46 BHP का पावर आपको जनरेट करके देती है, कोई नहीं देता यार। दूसरे कंपनीज को ना यही काम करने में डबल सिलेंडर लग जाते हैं, हालांकि डबल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स में वाइब्रेशंस कम है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। देखो हायर RPM पे तो आपको थोड़ा बहुत वाइब्रेशन फील होगा ही सिंस सिंगल सिलेंडर है, तो ये कोई बड़ी फैक्टर नहीं है, पर हाँ फील हुई तो मैंने आपको बता दिया। नाउ द अदर पॉइंट इज हीटिंग इशू। देखो मुझे एज सच हीटिंग इशू तो नहीं लगा, हालांकि हीटिंग इशू तो होगा ही थोड़ा बहुत, बट अभी ठंड का मौसम है थोड़ी धूप है तो वो ना पता नहीं चला यार मतलब वो चुही नहीं मुझे, तो मैं बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बना रहा हूँ अभी हीटिंग इशू को। हालांकि अभी मैं और भी डिफरेंट सीजन्स में इसको राइड करूँगा तब मैं एक फुल राइड रिव्यू लेकर आऊँगा, उसमें मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा और डिटेल में। अभी मैंने जितना चलाया है जिस तरह की मौसम में चलाया है वो हीटिंग इशू मुझे चुही नहीं। खैर आजकल तो इतने सारे डाइवर्जन है ना कि वो हवा सीधे आपके पैर पर लगती भी नहीं है, पर ठीक है फुल राइड रिव्यू जब लाऊंगा तो ये चीज़ों को थोड़ा और डेप्थ में बात होगी इन चीज़ों पर। तो ये थी इसकी राइड रिव्यू मोटे मोटी, जो मैंने जितनी देर चलाया मुझे कैसा लगा मैंने आपको बता दिया। एंड आई नो आप लोगों को लग रहा है मैं कुछ भूल गया, ऐसा नहीं है। नाउ अब क्या है ना जो मिनिमम डाउन पेमेंट है मिनिमम EMI में मैं वीडियो का लास्ट में बताता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हो मतलब आप जेन्युइनली इसको खरीदने में इंटरेस्टेड हो तब ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है हस्क्वर्ना शॉर्ट प्लेन 401 की वो है 35,000 रुपये। जी हाँ 35,000 रुपये में हस्क्वर्ना शॉर्ट प्लेन 401 घर लेकर जाओ, और क्या चाहिए आपको। एंड अगर मैं मिनिमम EMI की बात करूँ तो होने वाली है 7,500 रुपये 4 साल के लिए। जी हाँ ये है इसकी मिनिमम EMI। देखो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो फाइनल नहीं है, आप एक बार शोरूम आओ, बहुत सारी चीज़ें आपके सिविल पे डिपेंड करती है। अगर आपकी सिविल अच्छी है हो सकता है आपको इससे कम डाउन पेमेंट कम EMI लगे,
बुरी है, इससे ज़्यादा लगे, तो आप एक बार शोरूम आओ। मैं तो हमेशा सबको यही सलाह देता हूँ, सिर्फ रिव्यूज़ कभी मत देखो। जो भी रिव्यूअर होता होगा आपके एरिया का होगा, वो ना अपने वीडियोज़ के नीचे एड्रेस देता ही है, आप वहाँ विजिट करो, बोलो मैं उनका चैनल देख के आया था, ये वो। आप बाइक को मोटरसाइकिल को राइड करो तभी खरीदो। बहुत चीज़ें पेपर्स में अच्छी लगती है, पर हो सकता है ना वो मोटरसाइकिल आपके लिए ना बनी हो। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू लाइक माय वीडियो। कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, एंड हाँ, अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।